गणेश चतुर्थी का दिन है, ऐसे मुंह सुझा के क्यों बैठे? थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखो, खुश रहो। क्या खुश, इतना कलेश चल रहा है घर में, आपको खुश होने की पड़ी है? और गणेश चतुर्थी, इतने कलेशों के बीच हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे? गणपति बप्पा। गणपति जी चलो खड़े हो, आओ। मातम छाया हुआ है यहाँ पे, कहाँ गणेश चतुर्थी मनाएंगे? जरूर जरूर मनाएंगे। सुनो, और मातम वहाँ होता है जहाँ कहीं किसी की मौत हो गई हो, जहाँ इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए त्यौहार ना मनाने की कोई वजह नहीं है। जहाँ किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो अपने तक ही रखे, क्योंकि इस घर में आज भी फैसले मैं ही लेता हूँ और मैं फैसला ले चुका हूँ। मैं ना गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू कर रहा हूँ, बापा घर में आ गए। मुंशी जी कितने हाँ जरूर। मैंने पूरा घर देख लिया, टेरेस देख लिया, तितली मिली नहीं रही, कहाँ पे? बेटा तेरे हाथ की चोट ठीक है? मॉम बिल्कुल ठीक है, मैंने किचन में भी चेक किया, वहाँ पे भी तितली नहीं है, गई कहाँ है? मुझे क्या पता, यही कहीं होगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, उसके आगे पीछे घूमते रहे। अब तू भी छोड़, बप्पा की मूर्ति आई है, बप्पा आए हैं, चल स्थापित करने में मदद कर। चल घर। घर तुम्हारी मॉम कुछ कह रही है? लेके जाओ अंदर। जूते निकालो। पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया। करें